हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जय हिंद जी मम्मीज किचन में। आज हम बनाएंगे गुड़ के गुलगुले या गुलगुल भजिया। फ्रेंड्स, गुड़ के गुलगुले बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, गेहूं आटा और थोड़ा सा इलायची पाउडर। 2 कप गेहूं आटा के लिए हमें 1/2 कप गुड़ चाहिए। पहले हम घोल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को। हमने गुड़ को घोल लिए है पानी से, अब हम छान लेते हैं। थोड़ा कंकर वगैरह होगा वो इस छन्नी में आ जाएगा। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, आप सौंफ भी डाल सकते हो, सौंफ का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 कप 2 कप गेहूं आटा ले लिए। 2 कप गेहूं आटा में हमने आधा आधा कप गुड़ लिए है। अब आराम से धीरे धीरे घोल लेते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूथेंगे। हमारे आटा में लम्स नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना होगा। अगर वो लम्स आएगा तो गुलगुले अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे करके अच्छे से बैटर को बना लेना है। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया, अच्छे से गूंथ भी गया है। अब हम इसके गुलगुले बनाएंगे। तेल गरम हो गया, अब हम डालेंगे गुलगुले। ऐसे डालेंगे, आपको बड़ा डालना होगा तो आप बड़ा भी कर सकते हो। हमें लो फ्लेम में ही पकाना है। डालते समय थोड़ा सा फ्लेम मीडियम कर लेंगे, उसके बाद लो फ्लेम करके आराम से पकाना है हमें गुलगुले को। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये गुलगुले। हमारा गुलगुला बन गया, देखिए फ्राई हो गया। हमें ऐसी गोल्डन निकालना है, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, तो हमारा गुलगुल भजिया बनकर तैयार हो गया, गुड़ के गुलगुले। और देखिए कितना गुलगुल है, ये देखिए, ये देखिए। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और गुलगुल, दबाने से पूरा दब जा रहा है और पका भी बहुत अच्छे से है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।